बस कर बाबर हजम तकरीबन तकरीबन कुछ ठीक आ। घर वाले ने डंडे मार के उठाया मैनू पहली गल थोड़ा सही देना था माविया बेटा हेलो माविया ने बेटा ने कहा था दिन कहना दंद की ने कहते दंद पहले निकले हुए अभी स्टैंड को भी इकट्ठा करेंगे और हम नीचे जाने लगे हैं। चेंज कर पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं हैगी चल बेस्ती तेरे अगे बड़ी चादर सी चढ़ाने तकरीबन बस कर बाबर हजम तकरीबन तकरीबन कुछ ठीक आ। चल चलिए हम घर वो अपनी शर्ट पुरानी ला लो। सो फ्रेंड्स 10 बजे का टाइम हो गया जी। घर वाले ने घरों कढ दिता बोतल दे के कहते चल तेल लै गया वो जिहड़ा मिट्टी का तेल नहीं वो लै गया ना रंग करना ना इसलिए वो कूलर का नीचे वाला डब्बा रंग करना ये तो घर वाले बोलते बहुत हम तेल लैके आइए पहले। हेलो हाय क्या हाल है ठीक हो चंगा भला मैं आके शर्ट लिया के सैन लगी सो गया सी घर वाले ने डंडे मार के उठाया मैनू पहली गल डंडे मार के उठा के तो फिर मैनू भेजा कहते चल उठ के मिट्टी का तेल लै गया कैसा यार जुलम है यार बेचारे गरीब बंदे थे बड़ा जुलम होया मेरे ना मौसम अच्छा सी मैं ना छत पर गया हुआ सी छत जाके मैं आराम ना मंजा डा के मैं पिया हुआ वी आई पी करके चलो हम बट पहले तेल लिया दिए मिट्टी का इन्होंने घर वाले। सो फ्रेंड्स बाजार वाली साइड पर पहुँच गया हूँ यहीं पर ये साथ ही शॉप है यहाँ से हमने बट मिट्टी का तेल ले लेना है तो आगे तो हमने जाना नहीं है और यहीं से ले लेते हैं तो अभी यहाँ से मिट्टी का तेल लेते हैं। वाह कैमरे लगा ले भाई VIP करके भाई कर रहे हैं तो थोड़ा सही देना था तो बाकी ये रेग माल भी आ गया थैंक यू सर शुक्रिया। और अब हम जाएंगे वापस बाहर को वो ठंडे ठंडे मौसम चाह पींदा अपना ही मज़ा तो यहाँ से अब हम घर की तरफ रवाना होंगे तो कलर करने के लिए पेट्रोल ले लिया थोड़ा सा पेट्रोल लेना था ये रेगमाल लेना था छोटा सा टुकड़ा ले लिया रेगमाल का वो एयर कूलर नहीं होता जो क्या उसको कहते हैं सोलर वाला उसको नीचे वो इसके जो टप होता है ना उसको उस टप को अंदर से हमने करना है क्या उसको कहते हैं कलर करना है फिर अंदर से कलर करके फिर वो उसको जंग नहीं लगेगा नहीं तो आगे जंग लग गया था उसके थोड़े यहाँ। ये भाई बना रहे थे वो खुरियाँ जो होती हैं ना एक घोड़ों के पाँव के नीचे लगाई जाती हैं लोहे की वो फिर जब घोड़ा चलता है आवाज़ भी काफ़ी आती होती है वो वाली बना रहे थे वो अपने तो घर पहुंच गए हैं जी आ की पाकिस्तान की शर्ट पा के बहुत ही बाबर आए बने हैं बहुत दिन लै कुट ना खा लिया भी चलो घर पहुंच गए हैं जी मेरे पीछे कराची आ गया है। हेलो ठीक साहब हाँ जी क्या हाल है इधर देख वे तेन पता लगू केड़ा कराची इधर न देखी हसी थोड़ा जहा दंद कड के माविया ने बेइज्जती कर दी ओ बेटा माविया बेटा हेलो माविया ने बेटा ने कहा था दिन कहना दंद की ने कहते दंद पहले निकले हुए घर वालों का मुझ पर जुलम तू निकला यार आ फिर गई इतों आ चाचा पाकिस्तानी तेरे मैं दंद काट देना चाचा पाकिस्तानी वीडियो में चढ़ाई हूँ लेट करा दिना तू शुरू हो गई अपलोड मोबाइल मोबाइल नहीं मैं तेरे हम दंद काट देने मैं आया हूँ उपर फैन साहब अपनी टिकटॉक बना रहे
बना ला मेरिया चोरी कर करके बना इदा दिया मैं बनाई हुई इधर हातीक साहब खड़े है मामा खड़ के लैपटॉप चलाई दा चलाउन की दिया बंद दंद 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 इधर बुर्ज खलीफा खड़ा किया इन इन्ना खोलिया होया वा हाँ इन्ना खोलिया होया खैर चल भी बंद हो अच्छा मैं लाना चलो मैं भी टिकट बनाना अपनी कोई सही है। सो फ्रेंड्स आज हम अपने घर की सबसे ऊँचे वाली छत पे आए हुए हैं तो मेरे साथ है चाचू पाकिस्तानी तो आज हम ऊपर आए हुए हैं मौसम काफ़ी अच्छा था ठंडा था हमने कहा चलो थोड़ा सा ना ऊपर का एक बार नज़ारा कर लें। ये बादल छाए हुए हैं जी काले काले ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं पाकिस्तान का झंडा साइडों पे सारे दूर दूर तक नज़र आ रहा है काफ़ी वो सामने शॉप नहीं आइसक्रीम ठीक है ना स्कूल है ना 14 अगस्त आना नहीं और स्कूल है ना इसीलिए झंडा लगाया हुआ है वो वहाँ पे 14 अगस्त नेकी करके ऐसे भूल जाओ जैसे शादी करके लोग मुस्कुराना भूल जाते हैं। तो अब जी नीचे आ गए हैं टिकटॉक वगैरह बना लिया हमने तो अब ये स्टैंड को भी इकट्ठा करेंगे और हम नीचे जाने लगे हैं। वो देखो एक उधर खड़ा एक उधर खड़ा ओए थल्ले उतर जाओ ये हमारा सेक्टरी है हम इसको भी पकड़ाएंगे ये भी पकड़ो लैपटॉप तो पड़ेगा ना ये भी पकड़ चलो चल तेरा मोबाइल लै गया नीचे पहले ही रख लिया यार हैंड फ्री ले लिया अपने चलो अब नीचे चलते हैं। कूलर जो है ना वो कलर कर दिया है ऊपर से वाओ और अंदर से भी कर दिया सारा कलर ऐ भी आई भी तो साइडा तो डिज़ाइन बनाते पापा ने देखो किने कैसे डिज़ाइन बनाते वी आई पी ये करता कम इधर भी इसे तरह ही डिज़ाइन पूरा हम जाके नहीं चलो लगू। सो फ्रेंड्स टाइम हो गया जी शाम के 5:15 बजे का सो गए बाद में टिकटॉक की वीडियोस बना के सो गए थे और दोबारा आँख खुली है तो नमाज काफ़ी टाइम हो गया सर की तो बाकी जी इधर सुबहानला खड़ा है ये भी सो गया था तो बाकी आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे करते थे ख़त्म वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ वाह क्या बात है और बाकी जो हमारा लवली मुंडा यूट्यूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में एक और अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त ओके अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद बाय 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 अल्लाह हाफिज़।